सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज के वीडियो गांव बोड़ सिप्पर जिला भिवानी से बहुत ही प्रोग्रेसिव युवा किसान भाई शंकर के फार्म से आ रही है। भाई शंकर ने बहुत ही बढ़िया बाग लगा रखा है और बहुत बढ़िया किसान है और इन्होंने नर्सरी का भी सेटअप कर रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले भाई से बात करते हैं कितने एकड़ में बाग है और कितनी कितनी कौन कौन सी वरायटियाँ लगा रखी हैं, सारी डिटेल आपसे भाई शंकर से बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। शंकर भाई जी, कितने एकड़ में बाग है आपका? बाग सर मेरे 6 एकड़ में सर। अमरूद कितने एकड़ में है जी? अमरूद 4 एकड़ में। कौन सी वैरायटी अमरूद की? इशार सफेदा जी। और जो दूसरा किस्त का बाग लगा रखा आपने? दूसरा जी माल्टा किन्नू। माल्टा कितने किले में जी? माल्टा 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में। और किन्नू? किन्नू 1.5 एकड़ में। भाई शंकर ने 4 एकड़ में हिसार सफेद अमरूद का बाग लगा रखा और 2.5 एकड़ में माल्टा, 1.5 एकड़ में किन्नू। और अभी जो दिखाएंगे इनको तरबूज खरबूज जो मल्चिंग सीट पे कर रहे हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं। किसान भाइयों, भाई शंकर ने बोड़ गांव में लगा रखा है तरबूज खरबूज, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मल्चिंग सीट ड्रिप की सहायता से 3 एकड़ में तरबूज खरबूजा लगा रखा है। इसके अंदर कौन सी वैरायटियां हैं और बहुत ही बढ़िया कल्टीवेशन कर रखा है भाई ने, सारी बातें भाई शंकर से करेंगे। ये देखिए बहुत ही एक्सीलेंट कल्टीवेशन है, बेड देखिए आप, और एक बेड पे 2 लाइनें डाल रखी हैं। बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन है। ये देखिए ये तरबूज है, पौधे अभी ग्रोथ कर रहे हैं, 4 से 5 पत्ती निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। पूरी जानकारी भाई से लेते हैं। शंकर भाई, कौन कौन सी वैरायटियां हैं और कितने किले में लगा रखा है? ये जी तरबूज और खरबूजा ये मैंने 3 एकड़ में लगाया है, और तरबूज में नामधारी फिर नूनम्स का है, ये अपने मैक्स और फिर सकाटा का है 4016 जी, फिर है ये अनमोल उसका नो न्यू सीड का और फिर सुप्रीट जी नो न्यू का, फिर एक 2-4 बेड उसके हैं ट्रॉपिका के। और खरबूजे में आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? खरबूजे मैंने बोबी और सन्नी, ये 2 वैरायटी, बोबी और नामधारी का सन्नी। हाँ सर ठीक है। अब आपको भाई का लहसुन और देसी गेहूँ दिखाएंगे और फिर नर्सरी दिखाएंगे। किसान भाइयों, ये है शंकर भाई का लहसुन, बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट है। पराल डाल रखी है, खरपतवार ना हो गए, नमी बनी रहे, और लहसुन का जो साइज है वो अच्छा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इसमें किसी प्रकार का खरपतवार नहीं हुआ, बीच में धान की पराली यूज कर रखी है, बहुत ही ग्रोथ बढ़िया चल रहा है। और ये देखिए, चलिए भाई का गेहूँ दिखाते हैं आपको। ये है शंकर भाई का ऑर्गेनिक देसी गेहूँ 306। शंकर भाई, इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया है, थोड़ा सा बताएं किसान भाइयों को। इसमें मैंने कुछ प्रयोग नहीं, मैंने साढ़ी राख के जमीन खाली रख के फिर गेहूँ बोया, कोई रासायनिक खाद यूरिया DAP पोटास नहीं डाला सर, सिर्फ पानी दिए हैं। कोई देसी नमूना दिया इसमें, वेस्टी कंपोजर जीवामृत? ना, कुछ नहीं दिया सर, वैसे ही ज़्यादा खाद मान रही है क्योंकि पिछले साल बरसीन थी इसके अंदर, और इस साल ये खाली रहने की वजह से। ये देखिए देसी गेहूं 306 खाली खेत में लगा रखा है, बहुत ही ग्रीननेस है, बहुत लंबी बाल है और बहुत अच्छी हाइट है, और पूर्ण तो ऑर्गेनिक है, भाई ने घर खाने के लिए लगा रखा है। तो मैं भी सभी भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, आप देसी 306 लगाएं, बंसी वरायटी आती है खाने के लिए वो लगाएं, उसके अंदर यूरिया DAP प्रयोग ना करें, और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बचाएं। भाई की नर्सरी आपको दिखाना चाहेंगे अभी। किसान भाइयों, भाई शंकर ने गांव बोड़ में बहुत ही शानदार नर्सरी लगा रखी है। नर्सरी के अंदर कौन कौन से पौधे बनाते हैं और सब्सिडी का क्या शेड्यूल है, सारी बातें भाई से करेंगे। चलिए बात करते हैं। शंकर जी, कौन कौन से पौधे बनाते हो? हम सर अमरूद। अमरूद में कौन सी वैरायटी? इशार सफेदा सुरखा जी, और अब की बार ये मौसमी किन्नू। माल्टा बनाते हैं? हाँ जी। नींबू और कौन से बनाते हो जी? और ये आड़ू और आलू। आड़ू में कौन सी वैरायटी जी? साने पंजाब। और बादाम के पौधे बनाते हैं? हाँ सर। और भी कोई पौधे बनाते हैं आप? आलू बुखारा। उसके अंदर कौन सी वैरायटी है? उसमें सतलुज। ये देखिए भाई की बहुत ही शानदार नर्सरी।
भाई का जो खेत है वो रतेरा रोड पे है और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर नर्सरी लगा रखी है। शंकर भाई, आपकी जो नर्सरी है वो हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड है, सब्सिडी की पूरी जानकारी भाइयों को बताएं। जी अप्रूव्ड है हरियाणा गवर्नमेंट से भी, अब भारत सरकार से भी अप्रूव्ड हो जाएगी। सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, शंकर भाई की नर्सरी भारत सरकार में NHB में अप्रूव होने वाली है, NHM में अप्रूव है और शंकर भाई का जो बिल है उसके ऊपर हरियाणा सरकार में सब्सिडी का प्रावधान है। जो भी किसान साथी इनके यहाँ से पौधे खरीदता है उनके यहाँ पे पक्का बिल काट के देते हैं, जो कि बागवानी में सब्सिडी के लिए मान्य है और किसानों को सहायता मिलती है। ये देखिए भाई ने ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगा के बहुत ही शानदार पौधे बना रहे हैं और छोटा सा ग्रीन शेड नेट लगाया हुआ है रोड के ऊपर और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नर्सरी है भाई की। पौधे की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओरिजिनल पौधे बना के देते हैं, जो वैरायटी बोलते हैं वही निकलती है। खुद भी बाग लगा रखा है और सब्जी में भी खरबूजा तरबूज के अंदर ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया किसान है। शंकर भाई, सफ़ेद पन्नी के अंदर क्या है? इसमें अमरूद की ग्राफ्टिंग की हुई है। अमरूद की ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में इन्होंने पौधे तैयार कर रखे हैं, ये देखिए। चलिए भाइयों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में शंकर भाई का फ़ोन नंबर दिया गया है, कोई भी भाई इनसे पौधे के लिए संपर्क कर सकता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।